और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में मिलते हैं, इसलिए राम और धर्म ये अलग अलग हो ही नहीं सकते, एक दूसरे के पूरक हैं। और इन दोनों में किसी एक के गुण को हम ले लें, किसी एक के लक्षण को ले लें, तो मान लें यही धर्म है या यही राम है। और यही तो राम की विशेषता है, यही हमारी सनातन धर्म की भी विशेषता है। सब कुछ संभव है। अयोध्या ने 500 वर्षों तक लंबे संघर्ष झेले हैं, देखे हैं, नजदीक से महसूस किया है। 500 वर्षों तक ही नहीं, बहुत उससे पहले भी, मोहम्मद गौरी से लेकर के, और लगातार ये चलता रहा। अयोध्या में से राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर को अपवित्र करने का पहला कार्य यहां पर मोहम्मद गौरी के आने के पहले भी हो गया था, सालार मसूद गाजी ने किया था। उसके उपरांत तो समय समय पर ये हमले होते रहे। हमारी भावनाएं और हमारे भावों को कुंद करने का प्रयास होता रहा, लेकिन अयोध्या भी कभी चुपचाप नहीं बैठी, कभी चुपचाप अयोध्या नहीं बैठी। चुपचाप हम लोग अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते रहे, क्योंकि राम ने तो कभी ना न्याय किया और ना अन्याय सहा। यानी हम अधर्म भी नहीं करेंगे और अधर्म भी नहीं सहेंगे, और यही तो अयोध्या है। जो गलत न करेगी और न करने देगी, जो अत्याचार करते थे उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या सदैव खड़ी रही, जो अन्याय करते थे उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या खड़ी, हमेशा खड़ी रही। और जब सभी एक साथ जुड़े, एक मंच मिला, आंदोलन नई ऊंचाइयों को छूता गया और अद्भुत संजोग बना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। अब तो किसी को संदेह है ही नहीं, अब तो किसी को संदेह है ही नहीं अयोध्या के, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। मुझे लगता है जिसको स्वयं पे संदेह होगा वही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भी संदेह करेगा, शेष संदेह की कोई गुंजाइश अब नहीं बची है। और इसलिए भाइयों बहनों, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।